हेलो बच्चों, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज़ एपी। और आज हम करने वाले हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.1 विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। तो देखिए, बाकी मैंने कई सारे चैप्टर्स के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये बेटा 2010 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क का। वैसे तो मैं प्रीवियस 10 ईयर में देखें तो 2010 ही आता, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ़ दी नंबर्स 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 आर इन AP, फाइंड एन एनहेंस द नंबर्स। देखिए इधर वो कह रहे हैं कि ये 3 नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, AP की फॉर्म में। अगर AP की फॉर्म में है तो ये होगा A1, ये होगा A2 और ये होगा A3, राइट। और वो क्या कह रहे हैं, इनको बाद में फाइंड आउट भी कीजिए। तो अभी हमें करना क्या, हमें ये पता है कि भाई अगर ये AP में है तो इनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब कि A2-A1 किसके इक्वल होगा, A3-A1 के। तो अगर ऐसा होता तभी तो AP फॉर्म होती है। आई होप कि आपको बेसिक सारे अच्छे से पता होंगे। तो अब A2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा A2 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस A1 इज 2n-1, A3 क्या है 6n-1 माइनस A2 क्या है 3n+2। अब कुछ नहीं सॉल्व करना भाई, 3n+2-2n+1। यहाँ पर देखिए 6n-1-3n-2। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो 3n-2n कितना हो जाएगा n, दिस प्लस दिस विल गिव यू 3। यहाँ पर देखिए 3n और यहाँ पर माइनस का 3। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? तो भाई इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर, तो 3 और ये माइनस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3n, ये प्लस में है उस तरफ जाकर माइनस, ऐड कीजिए 6 2n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। एक ये ऑप्शन आपके पास, एक और भी होता है कि जो मिडल टर्म होती है, देखो सेकंड मेथड है, ठीक है ये तो हो गया, सेकंड मेथड भी बता देता हूँ कि मिडल टर्म जो है वो बाकी दोनों टर्म्स का क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मीन्स एवरेज एंड एवरेज मीन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई, तो ये क्या आ जाएगा 3n+2, इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 8n, यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 कॉमन आ सकता है तो क्या आ जाएगा 3n+2, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्या 4n-1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब सॉल्व करो, देखो इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर, तो 2 ये माइनस में, इधर जाकर प्लस और ये प्लस में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखो इधर, यहाँ पर कितना आ गया 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो ये दो मेथड हैं, चाहो तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो मैं एक ये इरेज कर रहा हूँ, एन की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब मैं A1, A2 और A3 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो 2 × n, व्हाट इज n, n की वैल्यू कितनी है 3 -1। देखिए फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही, मैंने सारी लिख दी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 - 1 = 5। यहाँ पर देखो 3 × n, n की वैल्यू कितनी है भाई 3 + 2, तो 3 × 3 = 9, 9 + 2 = 11। 6 × n और n की वैल्यू कितनी है 3, 3 - 1 = 6, 3 कितना होगा 18, 18 - 1 = 17। तो ये है आपकी वो नंबर्स जो आपसे पूछे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन था इसलिए करा दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इस एक्सरसाइज के ऊपर, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए दोस्तों बात करते हैं 2013 में आए हुए क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन था, MCQ था, एक बार रीड कीजिए। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, इसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, चेक करते हैं क्या आता है, वही आपका आंसर होगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है,
कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी विच इज ए टू माइनस ए वन। ये होता भाई ए टू माइनस ए वन, ये रहा। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो भाई यहाँ पर क्या करो, देखो वन माइनस पी माइनस वन अपॉन में पी, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे ये कट गया, क्या आया माइनस पी ओवर पी, पी से पी भी कट गया, क्या आया माइनस वन। सो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2013 में ही पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लीजिए। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिस इज, मतलब कि कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ए टू माइनस ए वन करके, है ना। तो ए टू की वैल्यू कितनी है भाई, वन माइनस सिक्स बी ओवर टू, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है, वन बाय टू बी दिया है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब टू बी। अब वन से वन कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, वन माइनस सिक्स बी ओवर टू बी। भाई बी से बी भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो माइनस थ्री इज दी करेक्ट आंसर। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है एपी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये रीड कीजिए, रीड नहीं नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 2014 में आया हुआ क्वेश्चन जो आपसे वन मार्क पे पूछा गया था। एक बार रीड कीजिए, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर दिस दिस एंड दिस, देन y इक्वल्स टू, फोर ऑप्शंस आपको दिए हुए, कैलकुलेट करके आपको बताना है, ठीक है, y की वैल्यू। तो भाई ऑब्वियसली फिर से वही चीज़ आ गई भाई, ये है a1, ये है a2, ये है a3, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनकी मिडल टर्म्स का, मिडल टर्म का जो जो मिडल टर्म होगी, मतलब कि a2 इज इक्वल्स टू वॉट, a1 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2, तो मिडल टर्म होती है, तो वो अदर टू टर्म्स का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज होता है, ठीक है। तो भाई अब ए वन की वैल्यू कितनी है, थ्री वाई माइनस वन, प्लस वाई थ्री की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी ए थ्री की, फाइव वाई प्लस वन। अब देखो वन से वन क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ए टू की वैल्यू कितनी है, ए टू की वैल्यू है थ्री वाई प्लस फाइव, सारी वैल्यूज पुट कर दी, या फिर सिंपली ये किसके इक्वल होगा, बाकी टू टर्म्स के अर्थमेटिक मीन के इक्वल, है ना। तो 3y प्लस फाइव, अच्छा ये कितना आ गया, 8y डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4y, ठीक है, इसको उधर लेकर जाओ, तो 5 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 3y, मतलब के y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 मतलब के c इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए गाइस देखते हैं 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन को, एक बार रीड कीजिए, वन मार्क क्वेश्चन था ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल this, this and this are the consecutive terms of an AP. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है कि भाई जो मिडल टर्म है, अगर हमें k की वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से वैल्यू, हमें k की ही तो वैल्यू बतानी है, हाँ जी। तो देखो मिडल टर्म जो है वो क्या होगा, अदर टू टर्म्स के सम का अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब टू से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है इसका। अब क्या करना है भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, क्यों, देखो कैसे, 2k माइनस वन, इसको मैं इधर ला कर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी बता भी दूंगा। देखो k प्लस 2k कितना आ जाएगा, 3k, एंड दिस प्लस दिस विल गिव यू 16। अब देखो ये टर्म्स में, इन टर्म्स में से 2 कॉमन नहीं आ रहा था, तो जब 2 कॉमन आएगा नहीं तो ये कटेगा भी नहीं, तो सिंपली हमें इधर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4k, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 3k प्लस 16, इसको इधर लेकर आओ और इसको इधर, तो 4k माइनस 3k इक्वल्स टू 16 प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट k इक्वल्स टू व्हाट, 18। तो अगर k की वैल्यू 18 हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, समझ में आ गई बात, तो ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो गाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 में, एक बार रीड कीजिए, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी ऑफ एपी। तो जब उन्होंने बेटा ये बोल ही दिया है कि ये एपी है, तो फिर हमें एक ही बार कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो भाई कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया जाता है, डी से, होता क्या है, ए टू माइनस ए वन, यहाँ पर ए टू क्या है ये, और ए वन क्या है ये, तो यहाँ पर ए टू इज अंडर रूट 12 एंड ए वन इज 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
फोर इंटू थ्री, बिल्कुल लिख सकते हो, फोर थ्री सा ट्वेल्व ही तो होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस अंडर रूट को अलग अलग भी लिख सकता हूँ भाई, अंडर रूट फोर इंटू अंडर रूट थ्री। भाई हमने आइडेंटिटीज कई बार पढ़ी हैं, अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या होती है, टू, तो ये आ गया टू अंडर रूट थ्री एंड दिस इज थ्री। अच्छा इसके सामने कुछ भी नहीं तो वन, टू में से वन अंडर रूट निकल गया तो क्या बचा, वन अंडर रूट थ्री। अब वन लिखो ना लिखो एक ही बात है, सो दी कॉमन डिफरेंस इज अंडर रूट थ्री। समझ में आ गई बात, ये नोट कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2020 में पूछा गया है, रीड कीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस दिस एंड दिस आर थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, फोर ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या होता भाई, मिडल टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, अदर टू टर्म्स के अर्थमेटिक मीन के डिवाइडेड बाई। अब देखो इनको ऐड करो, यू विल गेट फाइव विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, तो अब आप क्या करोगे, इसको इधर लेकर आ जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसको इससे करोगे 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, x वाली टर्म्स को साइड में कर लेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को साइड में कर लेंगे, तो यहाँ पर 20 रहने, तो इसको इधर लेकर आ जाओ 5x, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, और इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3x। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो x की वैल्यू आएगी 6। देखो कौन सा सही ऑप्शन है, ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज अगर किसी ईयर का कोई क्वेश्चन छूट गया या फिर मैंने नहीं कराया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एपी में एपी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, हो सकता है कि अदर किसी एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, और इनकेस अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसकी फ़ोटो मुझे सेंड कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। और अगर ये सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स की मैं ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से जो क्वेश्चंस पूछे गए आपसे प्रीवियस 10 के वो 10 ईयर्स में, वो भी सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। और अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।